एक्शन। मुझसे बल्कि तस्वीर देखनी होगी। इसमें तो सिमर की तस्वीर नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो सिमर की तस्वीर थी, फिर ये पीड़ा की तस्वीर कैसे आ गई? सुन सुन, देखो ये आशा अभी ठीक से लो सकता है। काम में चलो मत, नहीं गला गायब हो रहा है। फ्रीज, एक्शन। फ्रीज, गायब हो रहा है। प्लीज सब गायब हो रहा है। फ्रेज, उतार के फिर आपको ये करूँगी ना। रोलिंग, सुबह फ्रीज रहना, उसका टोपी उतारू, मुझे मार बना। नहीं रुक जा, तुम्हारा एक्शन देखो चेंज होने चल जाओ। ये चेंज हो गया, जा खोलो उसका तो प्लीज रहना। सामने से आप बाल्टी करो, खोल के
मैं देख चुका हूँ। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हटो 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 ट्रोलिंग थोड़ा सा लेफ्ट बैलेंस ज्यादा हो गया ट्रोलिंग एक्शन रिलाइज देखो मिरर को देखो मिरर देखो जाओ मिरर की तरफ ठीक हो गए वो उसके बाद शॉक में खड़े रोलिंग रोलिंग एक्शन रिलाइज मिरर की तरफ देखना जा मिरर की तरफ जा ओके मिरर में देखा बोलो ये कैसे हो सकता है इस लॉकेट में तो सिमर की फोटो थी फिर ये बदल के प्रीता कैसे हो गई है सॉरी इस लॉकेट में तो सिमर की फोटो थी एक्शन ऐसा नहीं हो सकता सिमर के कमरे में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है कहाँ चली गई सारी तस्वीरें शुरू ना हुआ खत्म लास्ट लाइन ये नामुमकिन है जरूर सिमर की तस्वीरें किसी ने छुपाई है बस ओके कुछ ऐसे ढूंढते थे ये खड़े हो जाना तो लें क्या हो गया तुझे जितना कोड़न नजीक चले गए लगा आ दिया तो लें एक्शन एक्शन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा कैसे फोटो ढूंढूं टेंशन रखना एक्स तो कैमरा फिक्स होगा राइट देखो तुम अपने राइट देखो राइट राइट और ज्यादा हो गया ऐसे रखना फ्रीज खोलो जाके सीन में फिलहाल मैं सिमर के गेटअप में हूँ तो ये हुआ ऐसे कि जो घूंघट वाली है वो किसी के भी रूप में आ सकती है वो किसी की भी फ़ोटो देखे तो किसी के भी रूप में आ सकती है तो उन्होंने फिर प्रेरणा की फ़ोटो देखी और सिमर के ही साड़ी में वो प्रेरणा के चेहरे के साथ हैं अभी वो प्रेरणा ने चेंज कर दिया वो प्रेरणा ने फोटो चेंज कर दिया वो प्रेरणा और जो मक्खी सिमर है उसकी साजिश थी और उन्होंने सोचा कि उसके रूम से सारी फोटोज हटा देंगे तो वो रूप नहीं ले पाएगी सिमर का तो हमने फोटोज हटा दी सारी
तो वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो जो लॉकेट था उसमें सिमर की जगह प्रेरणा की फोटो डाल दी, तो उसका रूप प्रेरणा का हो गया। आगे क्या ट्विस्ट आ सकता है? आगे तो यही है, कोशिश यही कर रहे हैं प्रेरणा और जो मक्खी सिमर है, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चंद्रमणि का पर्दाफाश हो और घूंघट वाली का भी, और सबको पता चले कि क्या चल रहा है और सिमर मक्खी बन गई है। एक बार परिवार वालों को सब कुछ पता चलेगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सिमर अपने रूप में कब तक आएगी? जल्दी आएगी, जल्दी आएगी, बट कैसे आएगी ये तो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है। जल्दी में देखने को मिलेगा। थैंक यू। मैं देखना चाहूँगी, आई एम श्योर आपको, मैं बोलना चाहूँगी कि आपको ये ट्रैक आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि हमें करने में बहुत मज़ा आ रहा है कि सिमर मक्खी बन गई है एंड देन एक दूसरी नकली सिमर है और हम कैसे उसका पर्दाफाश करें, तो करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। सो कीप वॉचिंग ससुराल सिमर का। और जो भी व्यूअर्स है उसके कमेंट्स ट्वीट्स आप फॉलो करते हैं? ज़रूर करते हैं, जो भी फीडबैक आता है वो, बट अभी तक सारा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है एंड सबको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मक्खी वाला ट्रैक। एक्साइटेड होते हैं और कितना कॉन्फिडेंस मिलता है एक्टिंग में? एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें अगर हमारा काम इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर कुछ बुरा भी लग रहा है और कुछ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी चलता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हम स्टोरी अच्छी लग रही है उन्हें या स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है। सो अच्छा भी क्रिटिसिज्म अच्छा है, बुरा भी अच्छा है। थैंक यू।